अच्छा, आप लोगों को 12th में एक जगह प्रॉब्लम आया था कि सर एरिया कैसे फाइंड करें डिटरमिनेंट के थ्रू, उसमें एक दिक्कत आई, तो वो एक मेरे पास प्रॉब्लम आई है, उसको पहले मैं सॉर्ट आउट कर देना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले एरिया फाइंड करने के लिए आपको ट्राइंगल के वर्टेक्स दिए हुए हैं, 1 1 2 3 4 5, इसका आपको एरिया फाइंड करना है। तो आपने ये डिटरमिनेंट पे लिखा हाफ, यहाँ डिटरमिनेंट बनाया 1 1 2 3 4 5, लास्ट में ऑलवेज आप 1 1 पुट कर दें, ये कंपलसरी रूल है। इसके बाद इसको सिंपलीफाई हाफ, जब एरिया निकालना है तो कोई भी एक रो को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपने फर्स्ट रो को सिलेक्ट किया, 1 लिखा, फिर इसका डिटरमिनेंट ये रो और ये कॉलम हटा के 3 माइनस 5, फिर सेकंड वाले में आ गया -1, ये रो कॉलम हटाया 2 1 2 -4, फिर +1 ये और ये रो कॉलम हटाया 10 माइनस 12, इसको सिंप्लीफाई करके जो आंसर आता है वो आपका एरिया होगा, उसमें -1 -2 +2 +-2, क्लियर हो गया। 2 -4 -2 +2 कैंसिल हाफ -2 -1, लेकिन एरिया शुड बी पॉजिटिव, तो +1 स्क्वायर यूनिट एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल है जिसके वर्टेक्स के बने। देख लो कैसे क्या, आप चेक कर लो कैसे एरिया फाइंड किया। ठीक है, अच्छा कल मैं ये बोल रहा था आप लोगों को, मैंने कल एडजॉइंट वाला सिखाया था, एडजॉइंट वाला कंसेप्ट समझ आया? एडजॉइंट वाला मैं आपको फिर से बता देता हूँ एडजॉइंट क्या है, अब उसका डायरेक्ट इन्वर्स निकालना सिखाता हूँ आज, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज, उसके बाद हम ट्राई करते हैं। पहले मैंने कल आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर कभी भी एडजॉइंट इन ए का डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो डिटरमिनेंट रेज टू एन माइनस वन, लेकिन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आपको मल्टीप्लाई करना है तो डिटरमिनेंट ए रेज टू एन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, 1 मार्कर क्वेश्चन है, एन क्या शो कर रहे हैं, कितना ऑर्डर है, और डिटरमिनेंट उसका गिवन है, 1 मार्कर क्वेश्चन, ए इंटू एडजॉइंट और सिर्फ एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, क्योंकि हम यहाँ वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। अब इसके ऊपर हम लोग डायरेक्ट, अब जैसे आपको मैंने बताया कोई भी एक 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 1 2 3 4, अब आपको इसका एडजॉइंट फाइंड करना, तो इसके लिए आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, आपको बिन पहले मैंने बताया था कि आप सबके कोफैक्टर्स निकालो, कोफैक्टर 1 का 4 2 का -3 3 का -2 4 का 1, और इसके बाद ट्रांसपोज, ट्रांसपोज किया 4 -3 -2 1, ये आ गया, मतलब चेंज किया, तो दैट इज एडजॉइंट। लेकिन कभी आपको एग्जाम में ये दिया है मैट्रिक्स, इसका डायरेक्ट एडजॉइंट निकालना आपको 2 ऑर्डर पर, तो आपको क्या करना, आप देख रहे हैं इसको इंटरचेंज कर दो डायगनल वाले मेंबर, ये 1 और 4 है, 1 और 4 को इंटरचेंज कर दो, तो 4 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे, और ये दोनों नंबर को चेंज नहीं करना, इसके सिर्फ साइन चेंज करो, तो ये डायरेक्टली एडजॉइंट आ जाएगा बिना लॉन्ग मेथड से किए। समझ में आ गया, 3 ऑर्डर में तो पूरे आपको वो फैक्टर्स ढूंढने ही पड़ेंगे और उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा, लेकिन 2 ऑर्डर में आपके पास ये शॉर्टकट तरीका है, ये फटाफट आप इससे निकाल सकते हैं। लेकिन अब यहाँ आता है कि आपको इनवर्स फाइंड करना है, जो अभी सेकेंड एक्सरसाइज जो अभी नेक्स्ट कर रहे हैं उसमें इनवर्स कैलकुलेशन वाले पार्ट, तो इनवर्स में आपको बता दूं कैसे फाइंड करना। आपने एक इनवर्स सीखा था एलिमेंट्री मेथड से मैट्रिक्स में, अब यहां इनवर्स में आपको निकालना सिखाता हूं, इनवर्स का फॉर्मूला, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इज एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय इट्स डिटरमिनेंट, मतलब उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल के उसके डिटरमिनेंट से आप डिवाइड करोगे तो उसका इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन कि कहाँ ये वैलिड है। सबसे पहले देखना है कि अगर आपका ये आंसर 0 आता है तो इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब अगर आपका 0 आया जिसको हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स,
singular matrix. A inverse does not exist. मतलब उसमें आप इनवर्स नहीं फाइंड कर पाएंगे डेटरमेंट जीरो, क्योंकि नीचे जीरो आगे नॉट डिफाइन हो गया. हाँ, लेकिन अगर ये नॉन जीरो है, डेटरमेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो आप इनवर्स कैलकुलेट कर सकते. सपोज इस मैट्रिक्स का मेरे को इनवर्स निकालना, तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, तो हमने लिखा ए मैट्रिक्स का इनवर्स. एडजॉइंट आपने निकाला, एडजॉइंट पहले हम फॉर्मूला लिख लें जैसे आप लर्न रखें, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई इट्स डेटरमेंट. एडजॉइंट आपने निकाला कितना है, एडजॉइंट 4 माइनस 2 माइनस 3 1. इसका डेटरमेंट निकाला 4 माइनस 6 माइनस 2, माइनस 2 से सबको डिवाइड किया, माइनस 2 1 3 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, ये इसका इनवर्स आ गया. अब ये राइट है या रॉन्ग चेक करने के लिए इसको और मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके देखो क्या आंसर आ रहा है. ए और ए का इनवर्स जो होता है ऑलवेज आइडेंटिटी 1 0 0 1 0, ये आना चाहिए. अगर ये नहीं आ रहा तो ये इनवर्स गलत है. तो आपने चेक किया क्या है आपका 1 3 4 2, इनवर्स है माइनस 2 1 3 बाय 2 माइनस 1 बाय 2. वन टू जे टू, टू से इसको इंटू किया आपने, कितना आया 3 प्लस 3. अब 1 को 1 से इंटू किया, 2 के से इंटू किया माइनस हाफ. अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 6 प्लस 6, 3 वन जे 3 माइनस 2. देखो इसका आंसर 1 0 1 0 आ गया. तो ये इसका इनवर्स है. तो इनवर्स निकालने के लिए आपको सिंपली क्या, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय इट्स डेटरमेंट करते ही आप इसका इनवर्स कैलकुलेट करो. ठीक है, क्या किया हमने, एडजॉइंट निकाला उसको उसके डेटरमेंट से. सिर्फ एक ही चीज देखना है, डेटरमेंट जीरो नहीं आना, कोई भी नेगेटिव नंबर पॉजिटिव सब चलेगा, लेकिन डेटरमेंट अगर जीरो आए तो वो इनवर्स आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा. यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में ही आप इनवर्स निकाल सकते हैं, सिंगुलर में इनवर्स नहीं निकलेगा. चलो इसके और क्वेश्चन करते हैं. cos x sin x sin x cos x. एक बच्ची ने इसका इनवर्स निकालने के लिए मेरे से पूछा था कि सर इसका इनवर्स हम कैसे फाइंड करें, तो वो मैं आपको इनवर्स निकाल के बता रहा हूँ. ठीक है, सबसे फर्स्ट आप लोगों को पता है ये मैट्रिक्स है, सबसे पहले इसका आपको डेटरमिनेंट चेक करना है कि जीरो तो नहीं आ रहा. cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये जीरो होने के लिए सिर्फ आपको देखना 45 होगा तो जीरो होगा, बाकी नहीं, बाकी एंगल पर नहीं, सिर्फ 45 पर आपको चेक करना पड़े. अब यहाँ आते हैं इसका इनवर्स निकालना. तो इनवर्स के लिए आपको ए मैट्रिक्स का इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स डिवाइडेड बाई इट्स डेटरमिनेंट. एडजॉइंट निकालने के लिए अभी मैं था टू ऑर्डर ले, इन दोनों को इंटरचेंज हो तो कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, सिर्फ इसमें आपको साइन चेंज करना, माइनस साइन एक्स माइनस साइन, ये आपका एडजॉइंट आ गया. और नीचे डेटरमेंट कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स एक्चुअली कॉस टू एक्स का फॉर्मूला है, लेकिन अगर आप कॉस टू एक्स नहीं लिख रहे हैं तो कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बस इस नंबर से सबको डिवाइड करेंगे, इसका इनवर्स ये आ गया. ये है इनवर्स निकालने का टेक्निक. एक और क्वेश्चन था वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ये समझ आ गया आप लोगों को. एक और
1 tan x by 2 minus tan x by 2 1. फिर से आपने वही निकाला, पहले आपने डिटरमिनेंट चेक किया, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू जो कि सेक्स स्क्वायर एक्स बाय टू था जो कि जीरो नहीं है. अब आपने इसके बाद निकाला ए का इनवर्स एडजॉइंट डिवाइडेड बाय इट्स डिटरमिनेंट. एडजॉइंट के लिए बोला था इसको इंटरचेंज करना, 1 1 तो इंटरचेंज है, इसके साइन चेंज करना, टेन एक्स बाय टू टेन एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय सेक्स स्क्वायर एक्स बाय टू. बस अब यहाँ आप इसको डिवाइड करेंगे, 1 बाय सेक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस टेन एक्स बाय टू को सेक्स स्क्वायर एक्स बाय टू से डिवाइड किया, सेक का मतलब टेन एक्स बाय टू अपॉन सेक्स स्क्वायर एक्स बाय टू, टेन एक्स बाय टू अपॉन सेक्स स्क्वायर एक्स बाय टू, वन अपॉन तो ये कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू. ये आपका टेन इस फंक्शन का इनवर्स हो गया. कैसे इनवर्स कैलकुलेट, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय इट्स डिटरमिनेंट. सिर्फ डिटरमिनेंट को ये चेक कर लेना कि वो जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी तो कंसेप्ट वही है. थ्री ऑर्डर निकालने के लिए भी वही मेथड है कि पहले आप एडजॉइंट निकालो, एडजॉइंट के बाद उसको डिटरमिनेंट से डिवाइड करो. सिर्फ डिटरमिनेंट आपका जीरो नहीं होना चाहिए, बस वो ध्यान है. अब इसके ऊपर मैं कुछ थ्री ऑर्डर का भी एक बता देता हूँ. ये दिया, अब आपको इसका इनवर्स कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहला रूल है इनवर्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट निकाल के चेक करो, 1 माइनस 6 से इनटू का 0 से 0 हो जाएगा, फिर 2 प्लस 3 माइनस 6 प्लस 6 0. तो इसका आप इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते हैं, इट्स जस्ट डायरेक्टली आपको पता चल गया. ठीक है, अब मैं वैल्यू चेंज, तो इफ ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपको सिर्फ ध्यान रखने का, एग्जिस्ट है या नहीं उसके लिए आप डिटरमिनेंट निकाल के चेक करो. अगर डिटरमिनेंट आपका जीरो नहीं आता तो आप कंटिन्यू करेंगे, डिटरमिनेंट जीरो आ जाता तो कंटिन्यू नहीं करेंगे. तो अभी मैं इसमें से थोड़ा चेंज कर देता हूँ. अब जैसे मैंने यहाँ पर प्लस वन कर दिया, ठीक है, अब जैसे टू लिखा, 1 तो ओके, 2 माइनस 3 तो ये माइनस 6 आ गया जो कि माइनस 12, तो ये एग्जिस्ट कर रखे जीरो नहीं है. अब इसके बाद मेरे को इसका निकालना है, तो पहले मेरे को सारे कोफैक्टर एडजॉइंट ढूंढने, एडजॉइंट ढूंढने के लिए कोफैक्टर्स ए 1 1, 1 का निकाला तो माइनस 6, ए 1 2, 1 2 लिया 0 माइनस 9 तो प्लस 9 क्योंकि साइन चेंज है, ए 1 3 किया माइनस 3, ए 2 1 माइनस 4 तो प्लस 4, ए 2 2 0 माइनस 6, ए 2 3. मैंने आपको कोफैक्टर निकालना सिखाया, इसका निकाल रहे हैं तो ये और ये हट जाएगा तो 2, लेकिन हम माइनस 2 क्योंकि इधर ऑड पावर है, ए 3 1 इवन पावर है तो 3 माइनस 2, ए 3 2 ऑड पावर है तो माइनस आएगा, 3 तो माइनस 3, ए 3 3 इवन पावर है तो आपका 1 रहे. अब ये आ गए, अब इसके ये एडजॉइंट निकालने के लिए
इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कर ये सब चेंज हो जाएंगे, ये माइनस सिक्स नाइन माइनस थ्री फोर माइनस सिक्स माइनस टू माइनस टू माइनस थ्री वन, ये रो था वो कॉलम में बदल दिया, ये आपका ट्रांसपोज कर दिया। अब आपको ए इनवर्स फाइंड करना है, तो ए इनवर्स इज डिवाइडेड बाय इट्स डेटरमेंट से एडजॉइंट डिवाइडेड बाय इट्स डेटरमेंट, एडजॉइंट आपका ये आ गया माइनस सिक्स फोर माइनस टू नाइन माइनस सिक्स माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस टू वन डिवाइडेड बाय माइनस ट्वेल्व, माइनस ट्वेल्व से सबको डिवाइड किया तो वन बाय टू माइनस वन बाय थ्री माइन प्लस वन बाय सिक्स थ्री बाय फोर माइनस थ्री बाय फोर वन बाय टू वन बाय फोर वन बाय फोर वन बाय सिक्स माइनस वन बाय टू, ये आपका आ गया इसका इनवर्स। बस डेटर एडजॉइंट को उसके डेटरमेंट से डिवाइड करते हैं इनवर्स, अगर आप इसको इसको मल्टीप्लाई करोगे ऑलवेज आई थ्री आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स थ्री ऑर्डर का है, समझ आया कैसे किया मैंने। तो अब ये है आपका, और इसी के ऊपर कुछ नए क्वेश्चन, तो ये क्लियर हो गए इनवर्स कैसे फाइंड करना है। अब इसके ऊपर मैं क्वेश्चन बता देता, आप लोगों पहले मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, प्रोडक्ट में अगर आप इन्वर्स करते हैं तो बी इन्वर्स इनटू ए इन्वर्स, इसको चेक करने का कुछ नहीं है, आप ए और बी को प्रोडक्ट करके उसका इन्वर्स निकालो, फिर बी का इन्वर्स और ए इन्वर्स को इनटू करो, देखो दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं कि नहीं। अब जैसे इसमें क्वेश्चन है आपका एक मैट्रिक्स दिया आपको वन थ्री वन माइनस वन टू, ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सेवन आई इक्वल टू जीरो आपको प्रूफ करके दिखाना है, और उसके बाद ए का इनवर्स निकालना है। जीरो पुट करने के लिए इसका स्क्वायर थ्री वन माइनस वन टू थ्री वन माइनस वन टू फाइव ए का मतलब थ्री वन माइनस वन टू प्लस सेवन आई, आई का मतलब वन जीरो जीरो वन। अब इस पूरे का आंसर आपको जीरो मैट्रिक्स लाना है, तो आपने इनटू कहे हैं, आप पता है रो को कॉलम से इनटू, थ्री थ्री जा नाइन, वन इनटू माइनस वन माइनस नाइन माइनस वन एट आ गया, थ्री वन जा थ्री प्लस टू फाइव आ गया। अब ये रो माइनस थ्री माइनस टू माइनस फाइव माइनस वन प्लस फोर माइनस थ्री माइनस वन प्लस फोर प्लस थ्री सॉरी प्लस सेकेंड आपने माइनस फाइव से इंटू में माइनस फिफ्टीन माइनस फाइव प्लस फाइव टेन लास्ट में है सेवन जीरो जीरो सेवन। एट प्लस सेवन फिफ्टीन फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन जीरो फाइव माइनस फाइव जीरो माइनस फाइव प्लस फाइव जीरो थ्री प्लस थर्टीन हाँ प्लस थ्री माइनस फाइव टू जा टेन माइनस टेन सॉरी माइनस फाइव इंटू थ्री प्लस एंड टेन टेन माइनस टेन जीरो, तो ये आपको जीरो मैट्रिक्स मिलेगा जो कि आपको वेरीफाई करना था, समझ आ गया। तो ये आपको जीरो मैट्रिक्स का कंसेप्ट आ गया। अब आता है वेरीफिकेशन,
इसमें से इनवर्स निकाल, अब इनवर्स आप इसका नहीं निकाल रहे, अब इनवर्स आप इसके अंदर से निकाल रहे हैं, तो कैसे इनवर्स आपको फाइंड करें? आपने जीरो वेरीफाई कर दिया, सबसे पहले आप क्या करोगे, ए स्क्वायर सेवन आई इक्वल टू फाइव ए लिखा है, नेगेटिव को उधर ले गया, सभी को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स सेवन आई इंटू ए इनवर्स फाइव ए इंटू ए इनवर्स, ए स्क्वायर का मतलब दो ए, एक ए ए ए इनवर्स सेवन ए इनवर्स फाइव आई, ए इनवर्स इंटू आई आई, ये आई हो गया, ए आई सेवन ए इनवर्स इज इक्वल टू फाइव, यहाँ तक आया, पहले देख लो ए इनवर्स से सबको मल्टीप्लाई करते हैं, अब आपको क्या ए इनवर्स चाहिए, तो इसको राइट में शिफ्ट कर देते हैं, सेवन ए इनवर्स इज नथिंग बट फाइव आई माइनस ए आई फाइव, ऑर्डर टू है तो वन जीरो माइनस ए आई, तो ए होता है, ए आपको दिया हुआ है थ्री माइनस वन वन टू फाइव जीरो जीरो फाइव प्लस माइनस थ्री माइनस वन वन माइनस टू, टू माइनस वन वन थ्री सेवन ए आई, और ए इनवर्स इज नथिंग बट सेवन से डिवाइड कर टू बाय सेवन माइनस वन बाय सेवन वन बाय सेवन थ्री बाय सेवन, ये हो गया ए इनवर्स फाइंड करना। अब आप चेक करना चाहते हैं राइट है या रॉन्ग, तो फिर हमने उसका मेथड देखा है, उस मेथड से करते हैं, पहले अपने ये क्लियर हो गया, अब मैं उसको आपको एग्जाम में ऐसे करना है, दूसरा कोई मेथड नहीं, लेकिन आप चेक करना चाहेंगे राइट है रॉन्ग, तो या तो इससे इंटू कर लो, या आप इनवर्स निकालने वाले मेथड से चेक करो, डिटरमिनेंट आपका कितना रहा, सेवन आ रहा है, तो आपने एडजॉइंट से डिवाइड किया टू थ्री वन माइनस वन डिवाइडेड बाय सेवन, टू बाय सेवन माइनस वन बाय सेवन थ्री बाय सेवन, तो ये आपका ए इनवर्स उसके थ्रू भी चेक, हैंस प्रूफ। तो ठीक है, ये आप लोग अब एक्सरसाइज 4.1, 4.3, 4.4, 4.5 तक पूरा फिनिश करके रखो, तो आपका ये पूरा कंसेप्ट हो जाएगा, अब हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे।